हृदय से नमन। और अब अगला क्षण, जिनको हमने इस मंच पर आमंत्रित किया था हिंदी और बुंदेली के बरबक को, जबलपुर शहर के वरिष्ठ पत्रकार, व्यंग शिल्पी, साहित्य की विविध विधाओं से संबद्ध है सम्मानी श्री प्रतुल श्रीवास्तव जी, और उनसे निवेदन है वो शुभकामनाएं समर्पित करें। आइए। अब स्वागत भाषण से बात शुभकामनाओं पे आ गई। नहीं, आप क्या है ना, हम तो देख देख के सीख रहे हैं। आप सब लोगों को रजनी जी बहुत थोड़ा सा बोलेंगे। आदरणीय सलमा जी से निवेदन है कि कृपया स्थान ग्रहण करें। राजेश पाठक की ओर से मैं बोल रहा हूँ आपसे। हाँ, राजेश पाठक जी वो नाम ले लेके मुझसे कह रहे हैं कि इनका नाम लेके शांत रहने के लिए बोल दो। आपका नाम नहीं है। सुशील श्रीवास्तव जी, आपका नाम भी लेकर कह रहे हैं कि कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं किसी से बुराई नहीं लेना चाहता, अभी तक बिल्कुल निर्विवाद हूँ। सब लोग मुझे स्नेह और सम्मान देते हैं, तो वो बना रहे, इसलिए मैं राजेश का नाम बार बार ले रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा महाराज, बात बुंदेली की हो रही है यहाँ पर, और प्रभा विश्वकर्मा जी ने बहुत श्रम पूर्वक, बड़ी निष्ठा के साथ, बहुत समय खर्च करके बुंदेली प्रभा नामक ये एक साझा गद्य संग्रह निकाला। साझे काव्य संग्रह तो बहुत हैं, हिंदी के गद्य संग्रह भी बहुत हैं, लेकिन बुंदेली का गद्य संग्रह वास्तव में इसकी आवश्यकता थी। जैसा कि कहते हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कुंडे कुंडे नवम पय, जातव जातव नवाचारा, नवा वाणी मुखे मुखे। हर मस्तिष्क में, हर सिर में अलग अलग विचार होते हैं, हर जलाशय में अलग तरह का पानी होता है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें नए नए प्रकार की वनस्पतियां, पेड़ पौधे देखने मिलते हैं, और हर मुख से नए तरह की वाणी सुनने को प्राप्त होती है। कोस कोस में बदले पानी, चार कोस में वाणी, ये भी हमने देखा है और सुना है। कहीं भी जाते हैं तो हर जगह की टोन अलग होती है, बोलने के लहजा अलग होता है, उसका उच्चारण अलग होता है, शब्द अलग होते हैं, तो ये विविधता सभी भाषाओं में है, सभी क्षेत्रीय भाषाओं में। हिंदी को परिष्कृत साहित्य में, हिंदी को एक स्वरूप प्रदान किया है अनेक लोगों ने मिलकर, कि वो संपूर्ण देश एक से स्वरूप में लिखी जाए, पढ़ी जाए और स्वीकार की जाए, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं के साथ ऐसा नहीं है। बुंदेलखंड बहुत बड़ा क्षेत्र है, झांसी, दतिया, टीकमगढ़, ललितपुर, चरखारी, महोबा, हमारे बीच में बैठी हैं महोबा वाली, दमोह, सागर, ये तमाम बहुत बड़ा क्षेत्र बुंदेलखंड का है, और बुंदेलखंड के इतने बड़े क्षेत्र में बुंदेली में अनेक प्रकार, अनेक वैरायटी, हमें हर क्षेत्र की बुंदेली में अंतर दिखाई स्पष्ट देता है।
अब बुंदेली में अंतर है वो इस किताब में आपको दिखाई देगा, क्योंकि इस किताब में जो 111 लेखक हैं गद्य के, वो विविध बुंदेलखंड के विविध क्षेत्रों से, तो विविधता के दर्शन बुंदेली में जो है इसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे जबलपुर की हिंदी को मानक हिंदी, स्टैंडर्ड हिंदी कहा जाता है, माना जाता है दूरदर्शन में, रेडियो में, फिल्मों में, लेखन में, जिस हिंदी का प्रयोग होता है वही हिंदी हमारे जबलपुर में बोली जाती है। इसी तरह से बुंदेलखंड में बोली जाने वाली जो भाषा है, बोली है बुंदेली बोली, वो बोली भी जबलपुर की बोली मानक बुंदेली के रूप में आगे चल के स्वीकार की जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि यहाँ जो बुंदेली लिखी जा रही है वो सहज है, सरल है, ग्राह्य है, उसे समझने के लिए शब्दकोश की या बुजुर्गों से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और किसी भी भाषा को जिंदा रखने के लिए उसे स्वीकार बनाए रखने के लिए लोगों से जरूरी है कि उसको सहज सरल रूप में प्रस्तुत किया जा सके, और ये हमारे यहाँ जबलपुर में हो रहा है। भाषा विज्ञानी, लोक साहित्य के विद्वान डॉक्टर पुरंजन श्रीवास्तव जी और उनके समकक्ष जो लोग थे, उन लोगों ने बोला कि आप भाषा को बांध नहीं सकते, कि भाषा का ऐसा स्वरूप होना चाहिए, भाषा को ऐसा ही चलना चाहिए, भाषा किसी के कहने पर विस्तार नहीं पाती, भाषा अपना रास्ता स्वयं गढ़ती है, उसे बोलने वाले समझने वाले उसका रूप तैयार करते हैं, उसका श्रृंगार करते हैं। तो बुंदेली भी सब लोगों को स्वीकार करने योग्य, सहज सरल अपना स्वरूप ग्रहण कर रही है, और ये स्वागत इसका करना चाहिए। एक प्रसंग मुझे याद आता है, एक बड़े अधिकारी के पास एक बुंदेलखंड का सीधा साधा कम पढ़ा लिखा एक गरीब व्यक्ति पहुंचता है किसी बात पे न्याय करने, प्राप्त करने के लिए। वो उससे बोलता है, साबेगुन साहब बहुत ही, साबेगुन साहब बहुत ही। अब उस अधिकारी की समझ नहीं आता बोल क्या रहा, साबेगुन साहब बहुत ही। वो पूछता है अपने बाजू वाले से जो उस क्षेत्र का था कि क्या कह रहा है, तब वो उसको बताता कि ये कह रहा है कि साहब एको इंसाफ बहुत चाहिए। तो टोन, बोलने का अंदाज और भाषा, ये दोनों, इसमें सुधार की जरूरत है जो हो रहा है, और जिस तरह से मानक हिंदी का स्वरूप सामने आ गया है वो सारे हिंदुस्तान में एक साथ जाना पहचाना जाता है, ग्रहण किया जाता है, उसी तरह से जबलपुर केंद्र बनेगा मानक बुंदेली तैयार करने। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर एवं प्रभावी उद्बोधन लिया आपका। इसके बाद हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के सम्मानीय सारस्वत अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर बहादुर सिंह परमार जी, जो छतरपुर से हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो भी आए और आज के इस बुंदेली महोत्सव एवं पोथी विमोचन समारोह के अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करें। श्री परमार जी, सब जनन खा राम राम पहुँचे, भगवत देव जी के चरणन में राम प्रणाम करत है, नमन करत है। मंच पर विराजमान पाठक जो
जिनकी जीप पे सरस्वती मैया विराज हैं, हम उन्हें डराते हैं उनको खास तौर से जो आयोजन प्रयोजन और तमाम जो मैनेजमेंट देख करके सांप बिच्छू सचूदर सबका एक मंच पर ले आके और सबका एक घाट पर पानी पिलावे को जो बस आप कहूँ कि शंकर जी की बारात है हम और मैं हम भी हैं और उनका सबका एक डमरू से नचावे को कला अगर देख रहे हैं कहूँ दुनिया में तो राजेश पाठक के पास है। मैं उनका नमन करता हूँ, विनती करते हैं आदरणीय हमारे बीच में सब जने बराजे हैं, राय साहब बराजे हैं, प्रफुल्ल भैया बराजे हैं। समय बहुत हो गया है, जितना अपन आचार से हम लोग कहे बोले 10-12 मिनट में अपनी बात करें तो बहुत सारी बातें हैं। प्रफुल्ल भैया ने बात रखी, पहले भी बात रखी, हिंदी में बतकाव करो जाए कि बुंदेली में बतकाव करो जाए, जो उनमें आपकी आज्ञा है सुनकर बात करें। सबसे बड़ी बात अब 2-3 चीज़ें हम जो सोच रहे थे कि उस पर बतकाव कर लें। खुशी की बात है कि इतनी किताबें जो प्रभा की रूप में बुंदेली प्रभा है उसकी आभा जो है पूरे बुंदेलखंड में पूरे देश में बिखरेगी। ये छोटे छोटे से जो लगातार प्रयास हैं जो गांव के स्तर पर शहर के स्तर पर महानगरों के स्तर पर हो रहे हैं, ये आज के जो वातावरण है जो पैसा पटाखा फैल गया भूमंडलीकरण के कारण चारों तरफ चकाचौंध चारों तरफ पैसा उनकी बीच में सरस्वती और बुंदेली माटी की जुगनू भी जगमगा रही है तो कहीं ना कहीं एक आशा की किरण तो पहुंच रही है। रही गद्य की बात तो गद्य तो पहले भी लिखो जा रहा हो तो बहुत तरह से लिखो जा रहा है और अब भी बहुत खुशी की बात है कि अपन लिख रहे हो, लेकिन 2-3 प्रश्न हमारे मन में उठाते हैं आपके भैया के नाते आपके लड़का के नाते तो कछु याद रात हैं तो बरव लगे तो हमारे तरफ से 2 रोटियां तकारी खा ली हो, लेकिन कछु सोचो विषय जो आपने लिखे हैं बहुत अच्छी बात है। समसामयिक जीवन का भी लिखो, जीवन में दुख दर्द भी है, गांव को आदमी भी है, आज मीडिया से गांव को आदमी बिल्कुल गायब हो कहते तो रात रात स्वर्ग बन गो का देखो तो ना गाँव जबलपुर से गाँव 10-50 किलोमीटर गाँव जाके देखो खेतर की का दशा है, पानी की कावे हाहाकार मची है, जीवन को रस खा के कैसो बरस हो रहा है, भैया बिन्नू मन की का दशा हो गई है उनकी भी तो लिखो कछु व्यथा कथा। अही का खेलो नहीं भविष्य के तमाम केवल समस्या नहीं लेकिन समाधान देवे को काम भी हम बुद्धिजीवियन को आए तो हम और जो चाहते हैं कि आप और सरस्वती की मैया की कृपा आपके ऊपर है तो जो आज देश की समस्याएं हैं बुंदेलखंड की समस्याएं हमारे भैया बहन की समस्याएं उनका सोचो विचारो भोको उनको एक समाधान व्यवहार पर देने की कल्पना करो। तो साहित्य को जो काम है कि मसाल लेके आगे चला तो मसाल ले को हम बने तो हम उनके जो पुरखैती हमारे चाहे प्रेमचंद रहे हों चाहे हमारे जयशंकर प्रसाद रहे हों बुंदेली में पूरन चंद श्रीवास्तव जी रहे हों या फिर गुप्तेश्वर द्वारका बैठे नर्मदा प्रसाद जी बैठे उनकी बात कर लेके आगे तो चले हैं तो जो भी कहूँ ना कहूँ एक हमारे मन में लगत है हो सकता आप उन्हें कैसे हैं मुझे कौरा लगन लगा कि भरे पेट के लाने तो हम कछ कर लें उसे ठीक है हम भरे पेट के लाने बहुत मनोरंजन कर लें लिख लें स्वांता सुखा कर लें लेकिन ईमानदारी की बात तो दिल पे हाथ धर के देखियो तना का सच्चे में हम उनके संगे लिख पा रहे वो दर्द कहाँ लिख पा रहे वो पीड़ा कहाँ लिख पा रहे वो कहूँ ना कहूँ कार्रवाई की जरूरत है। बुंदेलखंड आज नदियाँ छलनी कर रही गई हैं, रेत नहीं निकाल रही है, पहाड़ फोड़ दिए गए हैं, जंगल काट दिए गए हैं, काहे के लाने एसी चल के लाने हमारे अट्टालिकाएं बनावे के लाने को लिखे बाहर से कौआ है के लिख लेखा बुंदेलखंड के लड़का बिटियान खाए देखे सपूतर खा लेकर आए ये नहीं है जगह में आए तो मैं पेड़े लगावे की बात करने आए तो मैं छुआ छूत मिटावे की बात करने आए ऊंच नीच की बात करने आए बिटियान का ना मारवे की बात करने आए भगवान का बराबरी को व्यवहार करने की बात तुम्हें करने पड़े को बाहर से ना करे हम भक्ति भी करें संगे जो भी करने की जरूरत जो तुमने वो सोचो विचारो ठीक है बहुत कछु हम आत्मुग्धता से भी बाहर निकलो हम बहुत अच्छे रहते हैं हमारा गौरव है कौन दुख दौरा है नहीं है झांसी की रानी इतना भाई आला उदल भाई दुर्गावती भाई अवंती भाई भाई लेकिन आज का हो आज का हो रो तुम्हें आज का लकवा मार रहो काय नहीं उठा जा रही बात है आज का किसान आत्महत्या कर रहे हैं काय बाल बच्चन का दूध भी मिल रहा हो सबरा दूध शहरन का जा रहा हो गांव की आवाज को उठा है भैया एक आम आदमी की बात को उठा है तो एक तो दर्द हमारे मन में जो रात है सो एक तो जो दूसरा बुंदेली में विधाओं की बात करें तो भैया कछु विधाएं भी पकड़ो एक खा पकड़ो चाहे संस्मरण लिखो तो संस्मरण में लिखने की सोच सकता किताबों की ले आओ ललित निबंध दुर्गा चरण शुक्ल भी लिखा है आप भी लिखो ललित निबंध लिखो नाटक लिखो एकांकी लिखो तमाम रिपोर्टाज लिखो बुंदेली में बहुत सारी विधाएं लघु कथाएं लिखो व्यंग्य लिखो
तो वही में हम 10 जगह मोना मारो, हमारी बिंदी हाथ जोड़ के जाए जबरदस्ती के कभी ना बनो। आजकल एक परंपरा और फैशन चल रहा कि चाल लाइन में जोड़ नहीं होगा कभी बन गए तो ही बने से कछु नहीं है। हमें तो लगता है कि चल घटना बात भी आप लगत अब मुंह पे तो नहीं गात को सब मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी गात के तुमसे नोनो को नहीं है और आदर तुमसे नोनो को नहीं अहो रूपम हम कर लें और घर फैल रहा है इसे काम नहीं चल रहे चले तो दो चार दस साल के बाद जब हम मार गए कौन ना वाले भैया ना रहे अगर ना वाले भैया बचने हैं सब जो का आखिर जिंदा रात है तो आपकी रचनात्मकता से कलात्मकता से हुई है एक विधा पकड़ो गद्य की और वही में पारंगे तो वही में लगातार लिखो और लगातार लिख के उनको संकलन लाओ उनको बहुत सारी चीजन का काम करो। अनुवाद कर रहे हैं तो अनुवादन की एक परंपरा शुरू करो पूरी जैसे आज बहुत अच्छे से पुराण को बहुत सारी चीजें हैं पुरानी चीजें हैं उनका बुधे नहीं मिले आओ ना पूरा वही में करो जो नहीं कि अनुवाद भी करने निबंध भी लिख रहे कविता भी लिख रहे मामे नचने भी है गाँवने भी है मटकने भी है सब कुछ नहीं हो सका भैया अब करो जरूर हो सका एक आध दो जने ऐसे होए लेकिन एक में विशेषज्ञता हो तो मैं ऐसा मानक तो मैंने पहले ही हाथ जोड़ लिया था कि बुरा लगे सुधना दो रोटी अधिकारी खा लियो लेकिन हम सांस ही कह के जे हैं हमारी तो आदत है जा और आदत तो भाग नहीं है हम प्रमाणित कर रहे थे जो हमारे संगे है चलो कर भी रहे वास्तव में काम कर रहे हैं जब तो बने थे अपनी जी जान से बुंदेली संस्कृति कैसे बचे खान पान कैसे बचे ये मैं कर भी लाने की जरूरत है कैसे करा थे हमने जो अपनो बताए का शायद बताओ ये का तो बता सकत बुदली उस बसारी में कराउते हैं जब चंदा जोड़ कर कराऊ सरकारी मदद से नहीं कराओ चंदा जोड़े से हमारे थे बुदेलखंड पुराने होती गांव भर के पैसा टका गल्ला पानी जोड़ के तो सब जने गांव भर के आदमी बैठकते सुनते ऐसे ही बुंदेली उत्सव भी जब सबको श्रम लगे पैसा लगे तो सब उनमें बहुत होते तो उनमें क्या करा उनमें तो बहुत सारी कलाएँ हैं बहुत सारी चीज़ें हैं एक उदाहरण देते हैं लोकगीतन खा ले आज लोकगीत गायब हो गए ब्याह शादियाँ नहीं हो रही घर से पूरी करो चाह हमारी घर की बैयरें हमारी बहुएँ हमारे घर से सब जने भी नहीं चाहती कि हमारे मकान हुआ गृहस्थ जो हमारे ड्राइंग रूम है हमारे किचन है वह बिगड़े आप तो सीधे प्लेट कर लो चंदेला में करो चाहे फलाने होटल में करो पैसा चाहे जब तो लग जाए हम पैसा दे ठीक है भैया जो भी मान लो तो भैया गावे बजावे में कहा है कहाँ गए सोहरे कागे दादरे काम करना बन रही हमें सजबे से फुर्सत नहीं है ब्यूटी पार्लर से लड़का बहू सजे तो सजे उनकी बिटिया उनकी मताई उनकी दादी वो नहीं है सजबे की लाइन लग जाओ बुरा तो लगेगा बस आप तो टीका हो गए को टेप नहीं आ पाओ बिटिया बहुमन को तो ठीक है उन्हें सजो चाहिए कौन बात नहीं है लेकिन समधन और समधन की मालूम चला कि और की दादी और चाची सबरी इतनी सजी कि महूर्ती निकल जा तो भैया कुआ गाओ को टीका को गाना को भावरण को पाल को तमाम सब चीजन को गाओ तो बचे कैसे संस्कृति जब तो मैंने बंदा गाँव ने बंदी गाँव ने न चढ़ाए को गीत गाँव ने न भावरों को गीत गाँव ने बेदा को गाँव ने तो कैसे बचा दिखावा करे से नहीं बचे का करो हमने एक कोशिश करी भैया एक लाने का रास्ता निकालो हम अपनों बता रहे खजराओ हमारे अंगर है 5-star होटल हैं बहुत बड़े बड़े क्लार्क है दुनिया भर के नाम के बड़े बड़े मतलब 1,000 रुपया प्लेट से लेके जाने कितने तक होते लाखों रुपया खर्च कर गया था तो उनके तक क्या करो कि भैया ब्याह में सब कुछ तो बुकिंग हो तो हमने जो करो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का होता समूह बने स्वसहायता समूह उनमें कुछ जाने का हमारी भैया रहे हैं उनका रहे कलाकार हैं दो चार बिटियन का उनकी बंगवन का तैयार करो जो वास्तव में गाँव थी और उनसो एक भी प्रयोग करो तो अब वो प्रयोग चल गए प्रयोग जो करो देख हमारे मित्र हृदय आई है सुनने के हमारे बेटी लड़का का ब्याह हो तो हमें भी गीत गवा उन्हें अपने जो मड़वा के नचे होते कि समी की मूँछ जैसे कुत्ता की पूछ समी पाल लो हाथ फेर लो मुँह नचे जजमान जो लोग गाड़ी नाव नाव दे दे के ना जा लो समी नाराजी हो जाते कि मम्मा को ना हो लो फूफा को ही लो बहुत सारी चीज़ें होती सब मिला गई तो क्या करो तो हमने उनको भाओ रिसेप्शन होटल में ऊपर ग्रुप बनाओ और ग्रुप बना के बिठा के सुनवाई गाड़ी अच्छी खेच के जैसे गाड़ी मड़वा के नजर वो इतना अच्छा भाव प्रसन्न जितते भाई कौन है हमने तय करो तो 5,000 में गरीब आदमी का 5,000 बहुत रुपया हो उनके रिश्तेदार ने 11,000 तो रुपया दे खा भी लो और फिर तो होगा क्या बोलते एक नहीं खजराए में कम से 10 ग्रुप बन गए हैं और जो ब्याह बहुत बड़े बड़े तो भावरे पड़ी तो भावरण के नजर भावरण को गीत गा चलती हुए चढ़ाओ चलो तो चढ़ाओ को गा चलती टीका बहो तो टीका को गा चल तो भैया हम इतने भी जबलपुर में नहीं कर सकते इसे रोजगार भी मिले और हमारी संस्कृति के गीत बच जाए हमारा केवल उद्देश्य है
ये कैसे हर घर के काम है। दूसरा खाना पीना बुंदेली व्यंजन की बात है, किताब तो हमने बहुत पहले बहुत जने लिखी है, हमें 400-500 रेसिपी हमारी वह किताब इतनी लोकप्रिय भाई बहुत आपको बता दी जो उतनी अपनी बातें हम कहा बताएं, लेकिन प्रैक्टिकल की बताएं। डूबरी है वो जाना तो नहीं जाना महुआ की बना महुआ बुंदेलखंड को काल कांटे बार बार डूबरी बना लटा बना मुर्का बना। अब 5-star होटल हम कॉलेज में पढ़ा अब यूनिवर्सिटी हो गई ना होगा उसमें प्रिंसिपल रहते राजनगर में खजराए के नगर फिर बदताव का तो एक कलेक्टर साहब आते हमारे दोस्त आते तो नहीं खजराओ में फेस्टिवल हो डांस फेस्टिवल इंटरनेशनल क्लासिक को शास्त्रीय नृत्य का बहुत बड़ा महोत्सव होता है। तो हमने उनसे कही कि भैया कलेक्टर साहब सब इतना कि व्यंजन भी खपवाओ कैसे क्या खाना है तो हम उन्होंने बताओ कि जो जो बनवाओ एक स्टाल प्रयोग के तौर पर हम उन्होंने 2015 में शुरू करो कि भैया शाम क्या था कि बिहारी 10 रुपया में भर प्लेट उतर शुरू कराई बस चल गई। अब जब चलते चलते इतनी हो गई कि उधर डांस फेस्टिवल में अब वो होने लगे टेंट बोली लगा 10-10 स्टाल लगन लगे लगातार लोग खान लगे पीन लगे बुंदेलखंड की बफोरी भी खा मीड़ा भी खे वो दो कछु बुंदेलखंड को व्यंजन है वो सब खान लगे। भूखे संगे संगे होटल में शुरू करो एक मैनेजर थे ताज होटल ग्रुप के चंदेला वहाँ पर नारायण सिंह भायल थे राजस्थान के रिटायर्ड हो गए उनने कह रहे है का बुंदेलखंड बुंदेलखंड में कहा नहीं है तुम्हारे राजस्थान से ज़्यादा है लेकिन हमें बताओ दोनों ये दिक्कत क्या है हमारे तो ना वो जो होता ना पर्यटन को वो सब चीज़ें कर नहीं पाए हम एक्सपोजर नहीं कर पाए ये सब चीज़ें से हम बोलो तो उन्होंने डुबरी तो डुबरी जो है महुआ की 5-star होटल बनवा के वो स्पेशल डिश 2-day स्पेशल डिश डोबरी DOBRI लिख करके और 5-star में सप्लाई करी तो 1,000 रुपया में भी अंग्रेज आओ चाइनीज आओ कोरियन आओ चाहे वहीं चाट चाट के खा जा और हम वो जी का सकल बिगारत है। आप आज जमाना मनुष्य को स्वभाव परिवर्तन को है तो परिवर्तन के हिसाब से हम अपनी संस्कृति जैसे भैया प्रतोल भैया कह रहे थे पूरनचंद भैया सही कहते थे ना संस्कृति यहाँ बांध हो जा सकत ना भाषा का बांध हो सकता डंडा से ये कछु ना चले आपका काल के हिसाब से युग के हिसाब से हमें परिवर्तन लाने पड़े और परिवर्तन को ना लिया है दूसरे इलाका के ना है आपका हमें लाने पड़े। तीसरी बार बुंदेली बोल भी एक लाए शर्म नहीं आओ चाहिए सबसे बड़ी दिक्कत का होता है हीनता बोझ से ग्रसित हैं कहा के हैं को गंवार हैं तो हम तो कई बात के गंवार को अर्थ हो गाँव को रहे वालों तो आए भैया गंवार हम कौन सी दिक्कत है गंवार आदमी खून तो नहीं क्या शहर के आदमी की तरह चटक मटक कह के और अच्छे मीठी मीठी बोल के तेरा माल पराया माल अपना तो नहीं करा गाँव को आदमी प्रकृति के संग रहा तो आए गंवार और बोली हम तक बोली अंग्रेजी हमें भी आओ हिंदी भी आती है संस्कृत भी सीखना है परंपरा के लाने लेकिन घर में कम से बुंदेली बोले जो जैन साहब कह रहे थे ना वो दर्द है वो पीड़ा हर घर की पीड़ा है हम बोलते ही नहीं हैं बाल बच्चा ने कहा अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाओ उन्होंने इस पदावे में 19 बताने पर 13 नहीं जाना तो 13 बताओ उन्हें तो मुश्किल ही है न्यासी का जाने में जब कर, जब गिनती में हालत होगी तो भाषा बचेगी क्या से क्या इंद्र देवता से आए हैं क्या स्वर्ग लोग से आए हैं भाषा बचावे को ना आए भैया आपका हमें बोलने पर है लिखने पर है करने पर है और नई पीढ़ी का बताने पर है तो भाषा बचे और जब भाषा यही हमारी ताकत है जो विविधता है वो विविधता ही हमारी ताकत है हर क्षेत्र की भाषा ही जो विविधता है वो सब चीज़ें हैं। तो बहुत सारी बातें हैं इतनी बातें हैं बातें मन कर तो रात भर मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं तो ये 2-3 प्रश्न हैं ये मानकता की बात प्रतोल भैया ने कही इन हमारे बुंदेलखंड के विद्वान बहुत लड़े उनसे 30 साल से तो हम ही देख रहे झांसी वाले का के झांसी की बड़ी बुंदेली हमारी शुद्ध सागर वाले का के नहीं सागर की छतर हुआ तीन लड़बे में कोनो गुंजाश नहीं है ना लड़ो चाहिए हम तो कहा बुंदेलखंड का एक स्वभाव और है जो और पता हमेशा कहा इतने के आदमी जरुआ वरुआ है और लड़का बहुत है एक नाम पढ़ो तू भी टंग चल जा चल हमारे संग समस्या की इसका तुम्हें दूर करने पाए बुंदेलखंड में आगे बढ़ने हैं जो मालवा में बहुत अच्छा है एक पढ़ो तो दूसरों हाथ पकड़ के नाम ले जा। तो हमें कहूँ जो भी सीखने आज भाषा के संदर्भ में हम जो कह चाहते हैं कि जो जो ऐसा लिख रहा है वो भाषा में बोलो काल अपने आप समय अपने आप फैसला करेगा कौन सी बोली प्रमाणिक बनेगी मानक बनेगी। हम तो ये कहते हैं कि जो उसकी टोन है जो उसकी निजता है वो उसकी ताकत है वह वो ताकत
को खत्म मत करो। आज अंग्रेजी या विश्व की जो संस्कृति वो हमारी हिंदी की विविधता को खत्म कर रही, बोलियों की विविधता को खत्म कर रही, तो ताकत हमारी क्यों खत्म करने की कोशिश की जा रही है? जो बोलने का ढंग है, शब्द है, रंग है, भाव है, वो व्यक्त करना चाहिए, उसी में होना भी चाहिए, जो लिखा जा रहा उसमें बोले। ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें इन विवादों में न पढ़ करके मूलतः हमें रचनारत रहना, सकारात्मकता से, आत्ममुग्धता से ऊपर उठ करके सोचें, दूसरों के लिए जीने के लिए सोचें, दूसरे के दुख के लिए, क्योंकि बुंदेलखंड की संस्कृति खुद की नहीं है। दीवारी में दिया पड़ोसी का पहले धरत फैंका, जब लोग कथा या व्रत कथा काट के जैसा उनको भलवा करो तो वैसे ही हमाओ खरीदो, अपने भले की बात का होली कर, और हमें होता गो हम अपने अपने में मरे जा रहे, ये अपने में से लेकर के दूसरे का जीवन जीने की हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़े, तो बुंदेली भी बचे, बुंदेली संस्कृति बचे, भारत की संस्कृति बचे, और सबसे बड़ी बात है मनुष्यता बचे, और हम अपने कहूँ ना कहूँ कहरावे में कह सकें कि हम उनके लड़का हैं, उनके बिरादरी के, जात की बिरादरी नहीं हो, लेखनन की भी बिरादरी हो, खून की बिरादरी से ज्यादा लेखक की बिरादरी होते है, वो बिरादरी में आप वारिस बनो चाहते हैं, उत्तराधिकारी बनो चाहते हैं हमारे पूर्वज कवियों के लेखकन के, तो ईमानदारी से आत्मचिंतन मनन करके हमें कलम उठाने की जरूरत है। अकोख बुरो लगो हो तो मैं क्षमा मांगा था, लेकिन अपनी बात के लिए मैं सुन ही चुका, तो बुरो लगे तो लग जाए, बुंदेलखंडी भाई बोलते ही है, जय हिंद जय बुंदेलखंडी, धन्यवाद, राम राम आप सब। बहुत बढ़िया आपने अपना वक्तव्य दिया। निश्चित तौर पर बुंदेली भाषा एवं संस्कृति का कैसे संरक्षण किया जाए जो कि लुप्त होती जा रही है, और नव पीढ़ी बुंदेली भाषा बोलना नहीं चाहती है, तमाम है बातें हैं जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए परमार जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम हमारे मंच पर उपस्थित श्री गणेश राय जी का पूर्वक एक निवेदन है। आपने देखा होगा ये जो बुंदेली संस्कृति संगम के आयोजन का शीर्षक था उसमें एक शब्द था बुंदेली न्योता, तो अभी न्योता का क्षण है, आप बिना भोजन करें यहाँ से प्रस्थान ना करें, ये एक विशेष निवेदन है। दूसरा, और अभी कृति तुरंत 5 मिनट के बाद आप तक पहुँच रही है, सभी सम्मानित जनों को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर हर्ष तिवारी, सम्मानित डॉक्टर सुमित्र जी के चिरंजीव आए, उनका भी बात है। आदरणीय मंच, सभा में विराजे सभी बिन्ना भैयन को राम राम। भाषा कोनो भी होवे, यदि उमे दया करना और संवेदना न होवे तो बकर के आके गर्दन में लटकत भाई थन के समान है। यानी भाषा चाहे बुंदेली हो या हिंदी हो, कोई भी हो, उसमें संवेदना होना चाहिए। और जैसा कि हमारी बुंदेली खरी उतरती है, एक कहावत है कि ज्ञानी मारे ज्ञान से सो रोंग रोंग भिट जाए, और मूर्ख मारे टेड़पा सो फूट खपरिया जाए। और यही बात अनुभव गद्य हो या बहुत पद, हम तो बुंदेली में व्यंग लिख रहे हैं, सब बुंदेली में व्यंग मैंने विधा है, तो उसमें दो शब्द की रचना है, वो गद्य है या पद, उसमें क्या चाहिए। तो पेश करता हूँ कि अंधकार बस्ती को मिटावे की लाने, घर हमें अपनों तिनका जलाने, और दूसरे के मुंह को छीन के थाली हमें अपनी व्यंजनों से नहीं सजाने, नींद भर नहीं सोने हमें पेट भर नहीं खाने, गद्य हो या पद व्यंग लिखवे के लाने, बहुत कछु जाने। भाषा में व्यंजना भाव में करुणा, विचारों में दो धारु धार तलवार सी चाने, और विसंगतियों के विरोधाभास से समाज को बेहतरीन बनावे के लाने, नींद बनने सोने हमें देखी, हमें तुम्हारे कांच की लूटपाट के महलन में कतई नहीं राने, हमें तो अपनी टपरिया में राने, खून पसीना की खाने, और झूठ के दलदल में गड़े सत्य के दो ही घुटने उचकाने, नींद बनने सोने हमें पेट भरने खाने, आत्मा में कारोंच भरी ऊपर से कष्ण पाउडर लगाने, आत्मा में कारोंच भरी ऊपर से कष्ण पाउडर लगाने, आग लगी बस्ती में तुम डूबे मस्ती में, ऐसी दिवाली ईद हमें नहीं मनाने, ऐसी दिवाली ईद हमें, ऐसी दिवाली ईद हमें नहीं मनाने। और स्नो तो आजकल मार्केट में शायद नहीं आ रहा है, बहुत पहले आता था स्नो, अब बदल गए हैं, तमाम नए नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं।